अगर आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो जो आपको हर्ट करे उन मादर चोद और चमन चूतियों से दूर रहे। तो क्या हाल है आपका? तो जैसा कि आपको पता है कि टिकटॉक रोजाना नई से नई यकियां पैदा करता रहता है, तो अब कुछ लोग इंस्टाग्राम रील्स पर आके आ गए हैं। तो आज हम ऐसी एक हवाई मखलूक पर बात करने जा रहे हैं जिसने इंस्टाग्राम पर गंद फैला रखा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले ये बात बता दूं कि ये गालियां देती है भर भर के, तो यहाँ तो हेडफोन लगा लो वरना किसी कोने में बैठ जाओ और वॉशरूम भी ना पहुंच जाना, ऐसी भी वीडियो नहीं है। यार तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो बताना। मेरी जान, ये अपने सस्ते नशे ना कहीं और करके आना, इस बार मुझे अपने भरोसे का भोसला नहीं करवाना। जैसे क्या देख रहा भोसड़ी वाले, जाके अपनी माँ चुदाना। निकल लौड़े। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इस पे इनाम तो बनता है। चल भोसड़ी के। तो मैं ये कोशिश करूंगा खुद से गाली ना दूं, अगर इसकी यकियां देख कर निकल जाती है तो कोई बात। तो किसी ने मुझे इसकी वीडियो सेंड की और कहा कि ये इंस्टाग्राम रील्स बनाती है, इस पे वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा इसका नाम क्या? कहता यार मुझे नाम नहीं पता, तुम ना इंस्टाग्राम पर जाके ना मादर चोद सर्च करो तो इसके बहुत से अकाउंट आ जाएंगे। ये क्या है? अब चाहते क्या है हमसे सत्येंद्र? आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? मर जा साले, कहीं जाके डूब जा। एक हादसे में मारी गई। किसने मारी? ओ मतलब क्या मारी गई? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे पूरा तो सुन लो। बहुत प्यारी थी हंसी मेरी। अरे उसने हंसी कहा है, तुम भी दो मिनट में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। कहते थे तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। क्या और ये तो सबको पता है, तुम थी तुम हो और तुम ही रहोगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। तुम भी तो लिखे हो मुकद्दर में किसी के, चढ़ गया लिखे हो मुकद्दर में जिस किसी के। अगर आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो जो आपको हर्ट करे उन मादर चोद और चमन चूतियों से दूर रहे। तो सब इससे दूर रहे क्योंकि सबसे बड़े मादर चोद और चमन चूती तो यही लोग हैं। अपनी नई वाली को टाइम देना सीखो, गांड तो तुम अपनी हर जगह मरवाते हो। हाँ तो इसको ये अपनी उंगली दिखाने का बहुत शौक है और उसे अगली पोस्ट में उसे मुंह में लेने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सबको वक्त देकर देख लिया पर शायद कुछ और दे के देखना पड़ेगा। कुछ और मतलब के दिल वगैरह बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अरे हाँ यार ऐसा ही कुछ होगा, अकेले रहना ही बेहतर है मेरे लिए। अच्छा तो ये था, बल्कि तुम्हारा अकेले रहना ही बेहतर है क्योंकि तुम्हें हर जगह खड़ी होके यही तो करना होता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे बहुत रुक गया जिंदगी में पर अब रुकूंगा नहीं, और तुझ में जितना पावर है लगा ले पर मैं अब झुकूंगा नहीं। पावर तो वो लगा लेगा लेकिन ये ऐसे किस पावर की बात कर रही है? मुझे इतना मजबूर कर दिया जब मेरे पास पैसे खत्म हुए मैंने फिर धंधा शुरू कर दिया। जैसे टाइमिंग बनती थी मैंने बना दिया, आगे संभाल लेना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मेरे दोस्तों ने मुझे खुद से दूर कर दिया। वो तो तेरे दोस्त थे इसलिए तुझे दूर कर दिया, वरना जिस तरह की तेरी हरकतें हैं कोई और होता तुझे दूर नहीं करता बल्कि दूर ले जाके फिर करता, वो मतलब दूर करता। ये क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे जैसे शौक मत पालो मेरी जान, हमारी अदाएं हम पर ही अच्छी लगती है। ये बात तो है और ये सबको पता है कि बगैरती बगैरतों पे ही अच्छी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक नहीं किया तो कहां थे आप, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स में अपनी राय दें और शेयर करना मत भूलिए।